नमस्कार जी हाँ दोस्तों, जेल विभाग में आई नई भर्ती, आयु 18 से 30 वर्ष है। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा, सैलरी आपको बहुत ही अच्छी दी जाएगी और इंडिया के सभी विद्यार्थी यानी आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी अच्छे गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इस जॉब के लिए आप आवेदन करना चाहें, आप जेल विभाग में काम करना चाहें तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो सबसे पहले इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा दोस्तों, अगर आप चैनल के ऊपर नए और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट की न्यूज सबसे पहले पाना चाहते हैं तो आपको वीडियो के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिर इस प्रकार से इसके पास में बेल आइकन आ जाएगा, आप इसके ऊपर क्लिक करके इसे भी ऑन जरूर कर देना ताकि फिर जो भी हम लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट का वीडियो डालें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आप देखिए दोस्तों, ये है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन। सबसे पहले इसमें ऊपर भी बताया गया है, यहाँ पर आप देखिए ये है जॉब तमिलनाडु में निकली हुई है, यानी दोस्तों जॉब लोकेशन है तमिलनाडु। अगर आपकी जॉब लगी तो आपको तमिलनाडु में ही काम करना होगा। आप देखिए दोस्तों, नंबर ऑफ वैकेंसीज है और पोस्ट यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर पोस्ट है असिस्टेंट जेलर और दोस्तों मेन की 16 वैकेंसी है और वुमेन के लिए 14 वैकेंसी है, यानी मेल और फीमेल दोनों ही इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। और दोस्तों, यहाँ पर अगर आप मेल हैं और आप आवेदन करना चाहते हैं फीमेल की पोस्टों के लिए तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, यानी आपको आवेदन करते समय सिलेक्ट करना होगा कि आप किन पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं। यहाँ पर दोस्तों बताया गया है पे स्केल, तो पे स्केल दोस्तों यहाँ पर आप देखें 35,400 से लेकर 1,12,000, यानी दोस्तों बहुत ही अच्छा वेतन हम कह सकते हैं। शुरुआत में लगभग 35,500 रहेगा और फिर बहुत ही जल्द बढ़कर आपका वेतन लगभग यहाँ पर 1,12,000 के आसपास हो जाएगा। अब नीचे बताए गए वैकेंसियों की जानकारी कि किस किस के लिए यहाँ पर कितनी वैकेंसी है, तो यहाँ पर आप देखें अलग अलग वर्गीकरण बताया गया है कि इनके लिए इतनी है, इनके लिए इतनी है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए बीसी एसटी एमबीसी ओबीसी जनरल सभी के लिए अलग अलग वैकेंसियां बताई गई है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लें इंपोर्टेंट डेट्स की, तो दोस्तों डेट ऑफ नोटिफिकेशन है 8/10/2018, यानी इसका नोटिफिकेशन है वो 8/10 को आया था। और दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट यहाँ पर बताई गई है 7/11/2018, यानी 7 नवंबर तक आप इसके लिए आवेदन करना चाहे तो कर सकते हैं। साथ ही साथ रिटर्न एग्जाम की डेट बताई गई है 6 जनवरी 2019 को आपका रिटर्न एग्जाम भी होने वाला है। अब दोस्तों यहाँ बताई गई है देखिए एग्जामिनेशन फीस, तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस है वो 150 रुपया देनी होगी और एग्जामिनेशन फीस है वो यहाँ पर आपको 150 रुपया देनी होगी, यानी टोटल फीस होगी 300 जनरल और ओबीसी वाले विद्यार्थियों के लिए। लेकिन यहाँ पर देखें जो विद्यार्थी हैं एससी ड्यूल कास्ट यानी एससी एसटी, इनको यहाँ पर एग्जामिनेशन फीस में छूट भी दी जा रही है, आपको 150 रुपया ही देना होगा। अब दोस्तों इस नोटिफिकेशन में और क्या क्या बताया गया है पूरी जानकारी हम देख लेते हैं। बात आती है एज की, तो दोस्तों एज की गणना 1/7/2018 से की जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज की अलग अलग आयु बताई गई है, आप देखिए मिनिमम आयु है 18 वर्ष और अधिकतम है ये जो ये कैटेगरियां यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है एस सी एस एस टी एस एम बी सी, इनके लिए अधिकतम 30 वर्ष है और ये ऊपर आपको जो कैटेगरी दिखाई दे रही है नंबर एक में, इनके लिए अधिकतम आयु फिक्स नहीं है, चाहे आपकी आयु कितनी भी हो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिये आयु में किन किन विद्यार्थियों को छूट मिलेगी वो भी इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। बात आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ है ए डिग्री ऑफ एनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज रिजोनाइड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यानी दोस्तों अगर आपके पास डिग्री है आपने डिप्लोमा किया है तो आप दोस्तों इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नीचे दोस्तों इसमें और क्या क्या फिजिकल होगा, हाइट किस प्रकार से होगा, एग्जाम में क्या क्या सिलेबस आएगा पूरी जानकारी दी गई है, आप यहां पर जाकर देख सकते हैं। एग्जाम सेंटर आपके तमिलनाडु में होंगे, तमिलनाडु में ही आपको एग्जाम देनी पड़ेगी। सिलेक्शन प्रोसेस भी पूरा बताया गया है, देखिए दो आपके यहां पर एग्जाम होने वाले हैं। और दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट आवेदन करने की है www.tnpsc.gov.in, इस वेबसाइट को आप जैसे अपने ब्राउजर में खोलेंगे यहां पर देखिए इसमें नोटिफिकेशन बताई गई है, फिर उसके बाद आपको इसके लिए आवेदन करने का सब लिंक मिल जाएगा, आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आवेदन करने से पहले एक बार ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन पूरा जरूर पढ़ना ताकि आपका टाइम बर्बाद न हो और
आपको कोई भी प्रॉब्लम न हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप चैनल के ऊपर नए हो, लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट की न्यूज सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।